Hello students, today we are going to learn about verbs, singular and plural. We are going to learn about singular verb and plural verb. Let's see what are singular verbs and what are plural verbs. Now students, read these sentences. The child laughs at the clown. The children laugh at the clown. Students, read carefully these sentences. First is, the child laughs at the clown. And the next one is, the children laugh at the clown. Now, in first sentence, you can see in first sentence, the verb laughs, L-A-U-G-H-S, laughs is a singular verb because the subject child is a singular subject. And in second sentence, the subject is children, which is a plural noun. And so the verb also changes to a plural verb, laugh, L-A-U-G-H, laugh. Every sentence has a subject and a verb, and the subject and the verb must agree in number. Students, first sentence mein humne dekha subject kya tha, child. Child is a singular number of noun. So singular number of nouns ke saath hum kaun sa verb use karte hain? Singular number of verb use karenge. So in present tense we add s or es in the first form of verb. Simple present tense mein hum verb ka फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें एस और ई एस ऐड करते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो. जैसे आपने फर्स्ट सेंटेंस में देखा, जब चाइल्ड इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ हमने वर्ब कौन सा यूज़ किया, सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब. लाइक उसमें हमने क्या ऐड किया है, एस, लव्स. इन सेकेंड सेंटेंस हम देख सकते हैं चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल नंबर का नाउन हो गया. चाइल्ड का प्लूरल नंबर ऑफ नाउन क्या होगा, चिल्ड्रेन. तो चिल्ड्रेन प्लूरल नंबर ऑफ नाउन है, उसके लिए हमने यूज़ किया है वर्ब प्लूरल नंबर का. तो प्लूरल नंबर का जब हम नाउन यूज़ करते हैं, सॉरी वर्ब यूज़ करते हैं, तो उस वर्ब में हम एस और ई एस नहीं ऐड करते हैं. अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो उस वर्ब में हम एस और ई एस ऐड करते हैं. अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो उसमें हम एस और ई एस ऐड नहीं करते हैं उस वर्ब में, उसे एज इट इज़ लिख देते हैं, लाइक उसका फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं वर्ब का. क्लियर. विथ सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउन्स वी यूज सिंगुलर वर्ब्स. विथ सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउन्स वी यूज सिंगुलर वर्ब्स. विथ प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउन्स वी यूज प्लूरल वर्ब्स. क्लियर स्टूडेंट्स. सिंगुलर नंबर का नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करते हैं. प्लूरल नंबर का नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं. इफ़ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज सिंगुलर, इफ़ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज सिंगुलर, द वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर. अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो, तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर का होगा. If the subject in a sentence is plural, the verb should also be plural. Clear? Now see the examples. The dog lives in the park. The dog lives in the park. Now see, what is the subject in the sentence? Dog. So dog is a singular subject. So for the singular subject, we use verb also. Verb should be also singular, okay? So we add s or es in the first form of verb. So live mein humne kya add kiya, s, lives. The dog lives in the park. And in next sentence you can see, the dogs live in the park. The dogs live in the park. So dogs, ab yahan pe dekhiye dog mein s add hua hai. जब सब्जेक्ट में एस और ईएस ऐड हो जाएगा, तो इट मीन्स वो प्लूरल नंबर का नाउन हो गया है. अब प्लूरल नंबर का जब नाउन होता है, तो हम प्लूरल नंबर का वर्ब भी लिखते हैं. तो प्लूरल नंबर के वर्ब में हम, जो प्लूरल वर्ब होगा, उसमें हम एस और ईएस ऐड नहीं करते हैं. तो जब डॉग्स हो गया है, तो हम लिव में एस और ईएस ऐड नहीं करेंगे.
तो यहाँ पे क्या होगा, द डॉग्स लिव इन द पार्क. डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट, और लिव प्लूरल वर्ब हो गया. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज यू, वाई ओ यू. यू ऑलवेज हैज अ प्लूरल वर्ब. यू क्या है, एक्सेप्शनल केस है. यू हमेशा क्या होता है, उसके साथ हम हमेशा प्लूरल नंबर का वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं. यू कैन स्टैंड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस. यू कैन स्टैंड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस. यू हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रोनाउन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ हमेशा कौन सा वर्ब यूज़ होता है, प्लूरल वर्ब यूज़ होता है यू के साथ. लाइक यू आर इंटेलिजेंट, सो आर किसके साथ यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि आर है प्लूरल वर्ब. तो इसीलिए जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल का तो भी हम सब ये भी लिखेंगे सब्जेक्ट, अरे आर, यहाँ पर आर प्लूरल वर्ब है तो यू के साथ हम आर यूज़ करेंगे. यू आर इंटेलिजेंट. यू ऑल आर इंटेलिजेंट बॉयज़. फर्स्ट सेंटेंस में यू किसी सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, सिंगुलर प्रोनाउन है ये यू, ठीक है. और सेकेंड सेंटेंस अभी हम कह सकते हैं कि ये प्लूरल प्रोनाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा यू ऑल, आप सभी, यू ऑल आर इंटेलिजेंट बॉयज़. और फर्स्ट सेंटेंस में हम एकदम क्लियर नहीं कह सकते स्टूडेंट्स कि ये यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंट के बाद बॉय या बॉयज़ कुछ ऐसा लिखा नहीं है, कोई नाउन यूज़ नहीं किया गया है. तो इसीलिए हम यहाँ पर यू ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सिंगुलर प्रोनाउन है. तो यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाता है. लेट अस नो मोर अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स. इज आर एम, इज आर एम. वी यूज इज, वी यूज इज, आई एस इज विद सिंगुलर नाउंस और प्रोनाउंस. इज का यूज़ हम कब करते हैं, सिंगुलर नाउंस या प्रोनाउंस के साथ करते हैं. ये सिंगुलर वर्ब होता है. लाइक शी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. शी क्या सिंगुलर प्रोनाउन है, इज सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट, ज्योति इज़ नॉटी, ज्योति इज़ नॉटी. तो ज्योति क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन एंड इज सिंगुलर वर्ब. वी यूज़ आर विद प्लूरल नाउंस और प्रोनाउंस. आर का यूज़ हम कब करते हैं, प्लूरल नाउंस और प्रोनाउंस के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल, दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन एंड आर प्लूरल वर्ब. मीना एंड रीना आर फ्रेंड्स. तो यहाँ पर मीना एंड रीना क्या है, प्लूरल नाउंस हो गए. दो से अधिक के बात की जा रही है ना, यहाँ पर टू पर्सन्स आ गया, मीना एंड रीना, तो ये प्लूरल नाउंस हैं, जिसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं आर. मीना एंड रीना आर फ्रेंड्स. स्टूडेंट्स, व्हेन वी जॉइन टू सिंगुलर नाउंस और प्रोनाउंस विद एंड, व्हेन वी जॉइन टू सिंगुलर नाउंस और प्रोनाउंस विद एंड, दे बिकम प्लूरल एंड देयरफॉर दे टेक अ प्लूरल वर्ब. अगर हम जब भी दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन एंड के साथ जुड़ते हैं, सिंपल वे वी कैन से दैट, अगर किसी दो लोगों की बात की जाती है, चाहे वो दो सिंगुलर नंबर के नाउंस हों या दो प्रोनाउंस हों, अगर वो एंड के साथ जुड़ जाते हैं तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाता है. वो नाउंस हो या प्रोनाउंस हो, वो प्लूरल हो जाएगा. और जब प्लूरल हो जाएगा तो हम वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, मोना एंड सोना आर सिस्टर्स. तो मोना एंड सोना, यहाँ पर एंड है ना, तो दो नाउंस को यहाँ पर जोड़ा गया, ज्वाइन किया गया मोना एंड सोना को, तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गया. तो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल होगा. तो प्रेजेंट टेंस में हम किस वर्ब का यूज़ करते हैं एज अ प्लूरल वर्ब, आर. मोना एंड सोना आर सिस्टर्स. ही एंड तनु हैव लेफ्ट अर्ली. ही प्रोनाउन है, तनु नाउन है,
तो जब एक नाउन और प्रोनाउन भी ऐड होते हैं, ज्वाइन होता है एंड के साथ, वो भी प्लूरल बन जाता है। तो इसके साथ हमने कौन सा वर्ब यूज़ किया है? प्लूरल वर्ब हैव। हैव ए प्लूरल वर्ब है, क्लियर? सो ही एंड तनु हैव लेफ्ट अर्ली। ही एंड तनु प्लूरल सब्जेक्ट्स, हैव प्लूरल वर्ब। वी ऑल्सो नो दैट कलेक्टिव नाउन्स लाइक बैंड, बूके, बंच, आर्मी एंड सो ऑन आर ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट्स एंड सो दे टेक सिंगुलर वर्ब्स। कलेक्टिव नाउन्स को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, ठीक है? तो कलेक्टिव नाउन्स के साथ हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे, लाइक द बैंड प्लेज वेरी गुड म्यूजिक। सो द बैंड, बैंड किसके लिए यूज़ किया गया है? म्यूजिशियन, द बैंड ऑफ म्यूजिशियन, तो उसके लिए हमने बैंड यूज़ किया। तो ये बैंड कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ हम वर्ब यूज़ क्या किए हैं? प्ले। तो प्ले में क्या ऐड हुआ है? एस ऐड हुआ है, प्लेज, ये सिंगुलर वर्ब है। इवन इफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इवन इफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड्स विद एस, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड्स विद एस सच एज न्यूज और नेम्स ऑफ बुक्स सच एज अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, द वर्ब विल बी सिंगुलर। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी स्पेलिंग एस से एंड हो रही है, ठीक है, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी स्पेलिंग का लास्ट लेटर एस है, तो उसके साथ भी हम वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे? सिंगुलर एड वर्ब यूज़ करेंगे, लाइक अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इज माई फेवरेट बुक। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इज माई फेवरेट बुक। ये जो लिखा है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ये एक बुक का नाम है। तो यहाँ पर डेज, DAYS, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लास्ट लेटर है एस, लेकिन इसके साथ हम वर्ब क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर, इज़ माई फेवरेट बुक, इज सिंगुलर वर्ब है। दिस न्यूज़ इज़ द लेटेस्ट ऑन जापान्स अर्थक्वेक, दिस न्यूज़ इज़ द लेटेस्ट ऑन जापान्स अर्थक्वेक। न्यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग क्या है? NEWS, एस लास्ट लेटर एस है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? वर्ब सिंगुलर, दिस न्यूज़ इज़ द लेटेस्ट ऑन जापान्स अर्थक्वेक। नेक्स्ट पॉइंट इज वी यूज़ एम ओनली विद आई, वी यूज़ एम ओनली विद आई, आई के साथ हमेशा हम एम का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है, लाइक आई एम अ स्टूडेंट, आई एम हैप्पी। एम का यूज़ हमेशा आई के साथ करते हैं। सी दिस टेबल, सिंगुलर वर्ब्स, प्लूरल वर्ब्स। व्हाट आर सिंगुलर वर्ब्स? आई, With I we use am, he is, she is, it is, and plural verbs we are, you are, they are. Left column में singular verbs हैं, I के साथ am use किया, he, she, it के साथ is use करते हैं, और plural verbs we, you, they, ये सारे plural सब्जेक्ट हैं, प्लूरल प्रोनाउंस हैं, वी, यू, दे, तो इसीलिए इनके साथ हम प्लूरल वर्ब्स यूज करते हैं, लाइक आर। लेट अस रीड सम मोर एग्जांपल्स टू सी हाउ वर्ब्स चेंज फॉर्म्स टू एग्री विद द सब्जेक्ट्स। हम देखते हैं कि वर्ब्स कैसे चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। नाउ सी सिंगुलर, दे आर टू कॉलम्स, फर्स्ट इज सिंगुलर एंड सेकेंड वन इज प्लूरल, एंड सिंगुलर
In singular column, you can see it is divided into two columns, subject and verb, and in plural also it is divided into two columns, subject and verb. Now see singular. Subject is the baby. Verb, drinks milk. The baby drinks milk. Baby kya hai? Singular subject hai. To isliye humne verb mein s add kiya, drinks milk. The sari is red in color. Sari, it is a singular subject. To is use hua hai. The tailor stitches clothes. Stitch, S-T-I-T-C-H. Stitch mein humne es add kiya hai. Stitches. To ye singular verb ho gaya. Next, the lady sings melodiously. Lady. Lady is a singular subject. So for this, we use singular verb also. So here you can see that sings. The verb is sings. Sing mein s add kiya gaya hai. The artist paints with watercolors. Paint. Paint mein s add hua hai. The baby cries loudly. Cries. Ye cry, C-R-Y, cries ka first form of verb hai. To usme humne kya add kiya hai? We remove I and we add IES. Isme IES add hua hai. To ye cries to a singular verb hai. Now see next. Plural. Subject is the babies. The babies drink milk. The babies singular se plural hua hai. To ye babies ho gaya. और बेबीज के साथ वर्ब हमने प्लूरल ऐड किया, इट मींस यहाँ पर हमने एस हटा दिया, वी रिमूव्ड एस. इट विल बी द बेबीज ड्रिंक मिल्क. नेक्स्ट द सारीज, अगर नाउन है कोई तो उसमें हमने एस ऐड करते हैं, एस और ईएस, तो वो प्लूरल बन जाता है. और जब वो प्लूरल बनता है तो वर्ब में अब से हम एस और ईएस हटा देते हैं. सो द सारीज, यहाँ पर इज ऐड हुआ है ना, लिखा गया है सिंगुलर में, सिंगुलर वर्ब इज है, तो प्लूरल के लिए हम क्या ऐड करते हैं, आर. द सारीज आर रेड इन कलर. द टेलर्स स्टिच क्लोथ्स. द टेलर्स स्टिच क्लोथ्स. द लेडीज सिंग मेलोडियसली. सिंग्स, सिंग्स में से एस हटाया है, सिंग्स मतलब सिंगुलर वाले में आप देखेंगे तो वहाँ पे सिंग्स लिखा हुआ, उसमें एस ऐड किया गया है, लेकिन प्लूरल में हमने एस हटा दिया है, तो ये प्लूरल वर्ब बन गया. द आर्टिस्ट पेंट विद वाटर कलर्स. आर्टिस्ट, यहाँ पर एस ऐड हुआ है इस सब्जेक्ट में, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके लिए हमने वर्ब यूज़ किया है प्लूरल वर्ब, तो उसमें हम एस हट नहीं लगाते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ द बेबीज क्राई लाउडली. बेबी का सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा, बेबीज, बी ए बी आई ई एस, बेबीज. तो बेबीज के साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, लाइक सी आर वाई क्राई, द बेबीज क्राई लाउडली. क्लियर. द वर्ब बी हैज मेनी फॉर्म्स. बी वर्ब्स मीन्स एम, इज, आर, वॉज, वर. इन वर्ब्स का हम यूज़ कैसे करते हैं, देखिए, सिंगुलर, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, लाइक आई, यू, ही, शी और इट, वी यूज़ एम, आर, इज, वॉज एंड वर. विद आई वी यूज़ एम इन प्रेजेंट टेंस एंड वॉज इन पास्ट टेंस. विद यू वी यूज़ आर एंड वर. आर वी यूज आर इन प्रेजेंट टेंस एंड वर इन पास्ट टेंस. ही शी इट, विद ही शी और इट वी यूज इज इन प्रेजेंट टेंस एंड वी यूज वॉज इन पास्ट टेंस. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो हम वहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे. प्रेजेंट टेंस में एज एम आर का यूज़ करते हैं और पास्ट टेंस के लिए हम वॉज का यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन यू के साथ हम आर और वर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसे हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों मानते हैं. यू कैन स्टैंड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस, ये दोनों के साथ हम हो सकता है.
मीन्स यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन हमेशा इसका वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इसीलिए हम इसके साथ आर और वर्ब का यूज़ करते हैं प्रेजेंट और पास्ट टेंस में। इन प्लूरल व्हेन द सब्जेक्ट इज वी यू दे, प्लूरल में अगर सब्जेक्ट वी यू और दे है, देन वी यूज आर और वर। वी यूज आर इन प्रेजेंट टेंस एंड वर इन पास्ट टेंस। प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो हम आर प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, वर पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद इज आर और एम। सी फर्स्ट सेंटेंस इज आई डैश वानी शर्मा आई, एंड वी हैव टू यूज, वी हैव टू फिल इज एम और आर। सो हियर व्हाट कैन वी राइट? एम, आई एम वानी शर्मा। नेक्स्ट, शी डैश एन इनोसेंट गर्ल। शी मीन्स वह, सो शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, देन हियर ऑल्सो वी यूज इज, शी इज एन इनोसेंट गर्ल। आर नेबर्स डैश वेरी कोऑपरेटिव। आर नेबर्स, एन ई आई जी एच बी ओ यू आर एस, नेबर्स। हियर नेबर्स प्लूरल सब्जेक्ट होगा, या नेबर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, देन हियर वी यूज आर। आर नेबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव। वी डैश हैप्पी टू सी यू, वी, सो वी यूज आर, विद वी यूज आर, वी आर हैप्पी टू सी यू। गोल्ड डैश एन एक्सपेंसिव मेटल, गोल्ड, सो विद गोल्ड वी यूज इज, गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल। Now you have to do these exercises. First, fill in the blanks with is, are or am. First is Meena dash the tallest girl in the class. The man dash a policeman. I dash very happy to meet you. Mona and Sona dash best friends. The baby dash hungry. So students, in these blanks you have to fill is, am or are. Next one is fill in the blanks with was or were. You have to fill was or were. So was or were hum kahan par use karte hain? Past tense ke liye use karte hain. Was with singular subject and were with plural subject. Okay, now first is my grandfather dash an army officer. My grandfather dash an army officer. So here my grandfather, grandfather is a singular subject. Then with singular subject we use was in past tense. So here we can write was. My grandfather was an army officer. Next, they dash very good in studies. They is a plural subject. Then we use here were. They were very good in studies. So like this you have to fill these blanks. Okay, now next sentence is Tanu and Rajiv dash good friends when they were in school. These bangles dash cheap in Chandni Chowk. Veena dash unwell, so she could not attend the function yesterday. Next is fill in the blanks with was or were. The geese dash hurt. My mother scolded me, so I dash sad. It dash very cold yesterday. My father dash happy to see us after so many days. Many students dash absent yesterday. Now students, fill these blanks with was or were. ये सारे सेंटेंसेस पास्ट टेंस के हैं तो यहाँ पर हम वॉज और वर का यूज करेंगे। नाउ द वर्ब हैव, द वर्ब हैव ऑल्सो हैज मेनी फॉर्म्स लाइक इन सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक
I, you, he, she or it, we use verb have. I have a bag. You have a bag. He, she or it has a bag. I के साथ have use करते हैं, you के साथ हमेशा plural verb use करते हैं, तो यहाँ पर भी have होगा. He, she, it singular subject है, तो इसके साथ हम has का use करेंगे. और अगर subject plural है like we, you, they, तो इसके साथ हमेशा हम have use करेंगे. We have a bag, you have a bag, they have a bag. Now let's do this exercise. Fill in the blanks with has or have. The books dash lovely pictures. The books dash lovely pictures. So here the subject is the books. So the books is here, books is plural subject. तो books के साथ हम क्या use करेंगे, has or have? Have. We use have. We will use have. The books have lovely pictures. Next, the elephant dash big ears. The elephant here, elephant is a singular subject. So with singular subject we use has. So it will be the elephant has big ears. Like this you have to fill all these sentences. You have to complete these sentences. My dress dash a picture of Mickey Mouse printed on it. My father and brother dash similar shirts. I dash a new paint box. I dash a new paint box. These chocolates dash different flavors. These chocolates dash different flavors. My dog dash a new kennel. Our park dash many trees. Veena dash a new lunch box. Tanya and Tanu dash long hair. Now students, you have to do all these exercises. The verb do also has many forms. Verb do also has many forms. With singular subject like I, you, he, she or it. So with the singular subject like I, we use verb do. With you, we use do. And with he, she or it, we use does. D-O-E-S, does. And with plural subjects like we, you, they and any plural nouns, we use verb do. Clear? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम डज यूज़ करते हैं, डी ओ ई एस, डज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ. और अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स है तो हम डू का यूज़ करते हैं. आई एंड यू के साथ हमेशा डू यूज़ करते हैं, ना कि डज. नाउ सी दिस एक्सरसाइज. रीराइट दीज सेंटेंसेस इन द प्लूरल फॉर्म. Rewrite these sentences in the plural form. Students, some sentences are written and these sentences are in singular form. You have to rewrite these sentences in the plural form. First is, she is very attentive in class. He writes very well. She does the work neatly. The garden is beautiful. You do your homework now. So students, in these sentences subjects are in singular form. You have to make it plural. Subjects जो हैं वो singular हैं, तो इसीलिए singular verb भी use किए गए हैं. तो आपको इन्हें plural बनाने के लिए क्या करना होगा, subjects को plural बनाना होगा. और plural subjects के साथ हम verb भी plural लिखेंगे. Like in first sentence, she is very attentive in class. तो she क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसे हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या कर सकते हैं, दे. सो दे के साथ हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, आर. दे आर वेरी अटेंटिव इन क्लास. सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज. नेक्स्ट इज, मैच द फॉलोइंग. मेक श्योर दैट द सब्जेक्ट एंड वर्ब मैच.
आपको इसे मैच करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, लेकिन इस यहाँ पर ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। क्लियर? तो फर्स्ट कॉलम अगर आप पढ़ें सब्जेक्ट्स, मोना, वीना एंड रीना, द ग्रुप, दिस टीम, मिस्टर शर्मा। एंड प्रेडिकेट में है स्पेंड देयर स्पेयर टाइम रीडिंग बुक्स, हैज़ वन द मैच, टीचेस अस इंग्लिश, इज डूइंग गुड सोशल वर्क, परफॉर्म्स एट कल्चरल इवेंट्स। तो सब्जेक्ट अगर फर्स्ट वाला देखें हम, मोना, मोना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्रेडिकेट भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। प्रेडिकेट में जो वर्ब फर्स्ट वाला होगा, वर्ब होगा वो सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्पेंड लिखा फर्स्ट वाले में स्पेंड, और स्पेंड में एस और एस कुछ ऐड नहीं हुआ है तो इट मीन्स ये प्लूरल वर्ब है। फिर सेकेंड में है एच ए एस, हैज़, ये सिंगुलर वर्ब हैज़ वन द मैच। नेक्स्ट है टीचेस अस इंग्लिश, ये टीचेस भी सिंगुलर वर्ब है। इज डूइंग गुड सोशल वर्क, इज डूइंग इज भी सिंगुलर वर्ब है। परफॉर्म्स एट कल्चरल इवेंट्स, ये परफॉर्म्स भी सिंगुलर वर्ब है। तो इन चार में से हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा इसके लिए सुटेबल होगा। क्लियर? तो अगर सेकेंड वाला देखिए, लिखा हैज़ वन द मैच, तो आप सब्जेक्ट पढ़िए मोना, वीना एंड रीना, द ग्रुप, दिस टीम, मिस्टर शर्मा। तो हैज़ वन द मैच किसके लिए सुटेबल होगा, ये प्रेडिकेट, दिस टीम, फोर्थ वाली के लिए, दिस टीम हैज़ वन द मैच, इसके लिए सुटेबल होगा। तो ये वाला मोना के लिए नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट इज टीचेस अस इंग्लिश, सेकेंड है टीचेस अस इंग्लिश, टीचेस अस इंग्लिश ये किसके लिए हो सकता है, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा टीच अस इंग्लिश। नेक्स्ट है इज़ डूइंग गुड सोशल वर्क, तो इज़ डूइंग गुड सोशल वर्क मोना के लिए सुटेबल हो सकता है, मोना इज़ डूइंग गुड सोशल वर्क। क्लियर? सो लाइक दिस यू हैव टू रीड सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स वेरी केयरफुली एंड देन मैच द फॉलोइंग।